जिस दिन मेरा फिलियम्स निकला तो मेरे घर और गांव में सब ने मान लिया कि मैं आई एस बन गए हूँ उन्हें मतलब नहीं था कि मेंस भी होगा इंटरव्यू भी होगा फिर फाइनल लिस्ट रिजल्ट आएगी फिर डी ओ पी टी कन्फर्मेशन करेगा उन्हें मतलब नहीं था सॉरी सर बट पहला सुझाव यही है कि जो सेंटर आपको छोटा सा है आप उसे बड़ा सा कीजिए जब मेरा फिलियम्स नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में तब फिर मुझे अपना फिलियम्स ठीक करना था तब सर मैंने सब ज्वाइन किया था कि आपको सीखते रहना है आपको अपने फेलियर से नहीं डरना है अगर आपने कुछ आज आप कुछ बिलीव करते हैं कल आप पाते हैं कि आप गलत पे भरोसा कर रहे थे तो आपको उसको छोड़ देना है और नई चीज़ें अपनानी हैं सर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ अगर आप आई एस रॉयल आई एस एंट्री देखते हैं तो आप वो एंट्री नहीं कर पाएंगे सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेन्स अर्पित सर्विसेज एग्जामिनेशन में और मेरे ख्याल से आप सेकेंड uh, टॉपर हैं हिंदी माध्यम के यस yes, सर मैं थर्ड टॉपर हूँ थर्ड के हम दोनों marks equal 135 136 rank के मार्क्स इक्वल है अच्छा अच्छा तो वन थर्टी फाइव भी हिंदी माध्यम से yes, अच्छा तो उनकी रैंक और मार्क्स आप दोनों के बराबर है हाँ, बट बर के बेसिस पे, किसी बेसिस पे उनकी आ रैंक उनकी आगे है अच्छा, अच्छा, तो इस हिसाब से अब यस yes, सर तो मेरी फर्स्ट माई मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ठीक एक महीने पहले की बात है करीब जब ये आए थे इंटरव्यू के समय तो मैंने इनसे पूछा था तो और वो हम देख सकते हैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे ही डब्यू हो जाए उसके बाद पढ़ते रहना है क्योंकि अभी अभी बहुत यंग हो आप ठीक है और एक चीज़ याद रखना कि इस एग्जाम में अगर अच्छे से हम पढ़ लेते हैं तो हमारा करियर बहुत सिक्योर अच्छा होता है पढ़ते थोड़ा सा रहना है यूर इन विच प्रोग्राम सर एस एफ जी हिंदी मीडियम एंड सर एम जी पी हिंदी मीडियम आई एम वेरी हैप्पी कि एस एफ जी हिंदी मीडियम से अब बच्चे से फायदा मिला थोड़ा एंड yes. सर मेरी रैंकिंग भी टॉप थिफ्टी पे ही रहती थी आप टॉप फिफ्टी में इंग्लिश मीडियम के साथ yes. रहते थे yes. तो मेरी तरफ से इंटरव्यू दे लीजिए। आपको मेरी तरफ बिगेस्ट अचीवमेंट है इस साल का मुझे लगता है ये तो so, सबसे पहले तो अर्पित जब एग्जाम देने निकले थे और हिंदी माध्यम में रिजल्ट नहीं निकलते बहुत कम बच्चों का होता है तो क्या सोच कर आए थे कि हो ही जाएगा सर मेरा ग्रेजुएसन से स्टार्ट हुआ था एंड आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है तो उन सालों में हिंदी मीडियम की बेस्ट रैंक थ्री थर्टीज के आसपास होती थी लाइक थ्री थर्टी सेवन या थ्री सेवनटीन होती थी तो मुझे लगता था अगर मैं इतनी अच्छी रैंक ले भी आया हिंदी मीडियम की बेस्ट रैंक भी ले आया तो आइए सुन नहीं बन पाऊँगा क्योंकि बहुत पीछे की रैंक होती थी और मैं डायलेमा में था कि हिंदी मीडियम लूँ या इंग्लिश मीडियम लूँ बट फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की उन्होंने मुझे बताया कि जिस मीडियम में तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सको लाइक मेन ऐसा लिख सको कि तुम्हारी मतलब राइटिंग को लोग पढ़ें तुमने क्या लिखा है वही मीडियम लो और मुझे इसमें उतना कम्फर्टेबल था नहीं फिर मैंने अपने आप पर भरोसा रखा कि अगर मैं हिंदी अच्छी लिख के आऊँगा अपना कंटेंट अच्छा रखूँगा तो मेरी कॉपी भी चेक होगी और मेरी भी रैंक अच्छी आ सकती है और जब रिजल्ट में अपना नाम देखा तो क्या रिएक्शन था आपका एक्चुअली सर मैंने रिज़ल्ट अपना नाम नहीं देख पाया था मेरे दोस्तों ने देखा और उन्हें पूरे दिन में देख ही नहीं पाया वो लोग मुझे बिज़ी रखे मतलब सेलिब्रेशन पे तो अगले दिन मैंने नाम देखा और उस टाइम पे तो सुकून मिल रहा था कि अब फिल्म नहीं देना पड़ेगा तो बहुत आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड और कहाँ आपका जन्म हुआ आप अपने बारे में बता सकते हैं यस सर हाँ सर मैं जुलाई 2001 थाउजेंड वन बार हूँ मैं चित्रकूट यूपी से बिलोंग करता हूँ यह बुंदेलखंड में पढ़ता है और मेरी जो अर्ली एजुकेशन है ट्वेल्थ तो तक की वो चित्रकूट से ही हुई है एंड उसके बाद मैंने ग्रेजुएसन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी किया है पोलिटिकल साइंस ऑनर्स में एंड सर उसके बाद से मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और मेरा जो ऑप्शनल था वो हिंदी लिटरेचर था पहले ये होता था कि ग्रेजुएशन कर लें उसके बाद आई की तैयारी करें आजकल बच्चे जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके हिसाब से तैयारी शुरू करने का सही समय क्या है एक्चुअली सर आजकल मार्केट में ऐसा भी है कि हमें यंगेस्ट आई बनना है यंगेस्ट आई जैसा कुछ नहीं होता है आपसे भी कोई नया यंग आ जाएगा और आप यंगेस्ट नहीं रह पाएंगे तो आई थिंक हमें सेकेंड ईयर तक अपनी कॉलेज लाइफ इन्जॉय करनी चाहिए दोस्त बनाने चाहिए जो वहाँ टीचर्स हैं उनसे मतलब सीखना चाहिए और जो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कॉलेजेज में उन सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि यू सिर्फ पढ़ने पर आई एस नहीं बनाती है जब तक आपके पास एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं होगा तब तक आप आई नहीं बन सकते हैं तो सेकेंड ईयर की लास्ट से आप एन वगैरह देख सकते हैं पढ़ना बट सर मैं फिर से यही कहूँगा कि ग्रेजुएसन को इंपॉर्टेंस देनी है एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएसन करके आना है फ़ोरम आई के बारे में कैसे पता चला आपको सर फोरम आई के बारे में जब मुखर्जी नगर आते हैं तो पता लग ही जाता कि ये एक अच्छी कोचिंग है एंड सर फिर मुझे मेल्स आते थे नए ऑन लाइक यूजर आई डी से आते थे और उसमें बहुत बड़ी अच्छी मोटिवेटिंग चीज़ें होती थी तो मैं उन्हें पढ़ता था फिर जब मेरा फिलियम्स नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में तब फिर मुझे अपना फिलियम्स ठीक करना था तब सर मैंने सब ज्वाइन किया था एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं सुबह जग नहीं पाता था दस ग्यारह बजे जगता था तब तक तो पूरा दिन ही ख़त्म हो जाता था तो एस एफ जी से सात बजे से आठ बजे तक फिक्स होता था अगर आप लेट जाओगे दस मिनट तो या तो मार्क्स कटेंगे या वो अलाउ नहीं करेंगे और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होते थे एक दो बार मेरे आर्गूमेंट्स भी हुए उनसे तो सर फिर मैंने एस एफ जी ज्वाइन किया और तब से फिर मैं पूरा मार्क्स के साथ ए डब्ल्यू एफ़ जी का भी हिस्सा रहा हूँ और एम जी पी और साथ में आई जी पी का भी तो एक बात बताइए ये जो दिसंबर के समय एस वगैरह जो होता था तो मुझे लगता है अंधेरे में ही निकलना पड़ता होगा टेस्ट देने के लिए आने के लिए यस सर जब हम मतलब जाते हैं तब अंधेरा रहता है और जब आते हैं तब मतलब लाइट आ जाती है बट सर अगर आप अपना सात बजे जग करके आप टेस्ट देने जा रहे हो तो इट मीन्स कि आप आठ बजे के बाद पूरा दिन आपके पास बच जाता है और आप रेगुलर बेसिस में टेस्ट दोगे तो आपको सिलेबस भी रिवाइज़ करना पड़ेगा और एस एफ से आपके स्टैटिक ठीक हो जाता है तो सर एस एफ जी कई वेज में भी बेनिफिशियल था तो एस एफ जी में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता था क्योंकि उसमें ऑल इंडिया आपको आइडिया होगा कि पिछले साल रैंक वन और रैंक फोर जैसे बच्चे उसमें कम्पीट कर रहे हैं यस yes, सर इस साल भी मुझे लगता है टॉप ट्वेंटी में तीन से चार बच्चे एस एफ जी के हैं ट्वेंटी टू सेकेंड रैंक के बच्चे उत्तराखंड से कुछ दिन पहले आए थे तो मैंने देखा कि तो उससे कम्पीट कैसे किया या फिर हतोत्साहित नहीं हो जाते थे कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इनके पास बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पर मटेरियल की थोड़ी कमी है सर एक्चुअली मैं उसको चैलेंज की तरह लेता था कि अगर इन लोगों की अच्छी रैंक्स आ सकती हैं तो मेरी भी आनी चाहिए तो मैं पहले से पढ़ता था और आई थिंक मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे टॉप फिफ्टी और टॉप हंड्रेड की रैंक्स मेंटेन रखी थी सब जी पे और वहाँ से जो कॉन्फिडेंस मिला था वो एक्चुअल फिलियम्स में काम आया था तो इस बार का मेरा जो जी का स्कोर है वो वन वन हंड्रेड ट्वेल्व है जी का स्कोर हंड्रेड एंड ट्वेल्व है मुझे लगता है मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी माध्यम में भी अभी जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनमें से किसी का स्कोर आपके पास स्क्रीन शॉट है ना इसको बैकअप करने के लिए। यस सर सर आप दो हजार तेईस फिल्म ये तो बहुत खुशी की बात है तो एक बार बताइए एस एफ जी के समय चूंकि सिलेबस रहता है अच्छा खासा कंप्लीट करने के लिए तो उतना कंप्लीट हो जाता था या बच जाता था या दिन रात पढ़ना पड़ता था क्या था आपका पोजीशन एक्चुअली सर मेरी स्टडी इसमें दूसरी थी इट वॉज मतलब मैंने क्या किया था जो मेरा प्लान होता था तो मैं उसी पर मतलब स्टडी करूँगा बट मैं आधे घंटे एक घंटे का टाइम निकालूँगा तो मुझे की पॉइंट्स होंगे उस सिलेबस के लाइक अगर हम पॉलिटी में स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं तो मैं प्रियम्बल के केसेस देख लूँगा फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स देख लूँगा और जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा वही बस देखूँगा फिर जाके टेस्ट दूंगा अगर उसमें जो मेरे क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर मैं उनको पढ़ूँगा इट वॉज लाइक मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग यस सर वेरी गुड कितने घंटे प्रॉब्लम्स के लिए पढ़ते थे सर ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा कितने घंटे पढ़ते थे बट इसका सिंगल पॉइंट आंसर नहीं हो सकता मैं ऐसा करता था कि जो मेरे वीकली टारगेट्स होते थे उन्हें मैं कवर करने के लिए अपने टाइम को वीकली डिवाइड करता था इट मतलब अगर आपके हर वीक में 60 से पैंसठ आवर स्टडी हो पा रही है तो आप सही ट्रैक पे हो मतलब अगर आपका मंडे खराब हुआ है तो उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप ट्यूजडे को पढ़ सकते हो या वेडनेसडे को कर सकते हो अगर आप डेली टारगेट्स बनाओगे तो अगर आपका दिन खराब चला गया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो मतलब हमें अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं ना कि घंटों के पीछे भागना कि बारह घंटे हो गए चौदह घंटे हो गए अगर टारगेट्स पूरे होंगे तभी मार्क्स आएंगे क्योंकि तो घंटे तो कोई नहीं पूछेगा रिजल्ट के बाद कि तुमने कितने घंटे घंटे पढ़े थे होते या बारह हो जाते होंगे आपके सर जब फिलिम्स के टाइम काफी करीब होते थे तब बारह भी हो जाते थे बट अगर ओवरऑल देखेंगे तो नौ दस घंटे होते नौ दस घंटे टाइम ठीक है वेरी गुड और एक बात बताइए ये बच्चे जब प्रिलिम्स उनका नहीं होता है यस सर वो हमसे ये पूछते हैं कि सर मैंने अटैम्प्ट तो खूब सारे किए लेकिन मेरी एक्यूरेसी प्रॉब्लम है मेरे 30-40 क्वेश्चन गलत हो गए हैं नब्बे अटैम्प करने में तो क्या समस्या एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है या रिवीजन की प्रॉब्लम है सर आई थिंक दोनों की प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि मैं कैसे अटैम्प्ट करता था कि हर एक स्टूडेंट के कुछ स्ट्रॉग पॉइंट्स होते हैं अगर मुझे कोई भी पेपर मिलेगा ए बी सी डी सीरीज़ का मैं पहले पॉलिटी ही खोलूँगा उसमें क्योंकि मेरी पॉलिटी अच्छी थी तो वहाँ पर जब मेरी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो पॉलिटी हो गई जो भी स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं आपके अगर आपने वहाँ पर एक्यूरेसी एट्टी परसेंट मेन्टेन की एट्टी टू नाइन्टी परसेंट तो जो रैंडम एरियाज हैं लाइक इन्वायरमेंट हो गया आर्ट एंड कल्चर हो गया तब आपके पास यहाँ स्कोप मिलता है कि आप कुछ गलतियाँ कर सकते हैं बट अगर आपने गवर्नर गलत कर दिया या आर गलत कर दिया इन्फ्लेशन गलत कर दिया जो तो बेसिक चीज़ें हैं तब फिर आपका स्कोर ख़राब हो जाता है उसमें और प्रलिम्स एग्ज़ाम में आपके हिसाब से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए सर अब जो पैटर्न आ गया है पेयर्स वाला तो आई थिंक 85 से कम तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको एक स्कोप चाहिए कि गलत करने के बाद भी आपके एटलीस्ट एट्टी टू नाइन्टी मार्क्स आ जाए और अगर दो ऑप्शंस के साथ अगर बचते हैं दो ऑप्शंस अगर हम एलिमिनेट कर लेते हैं और दो ऑप्शंस के साथ बचा हुआ है हमारे पास दो विकल्प बचे हैं तो आप उसको अटैम्प्ट करते थे या नहीं करते थे सर मैं अटैम्प्ट करता था मेरे अटैम्प्स सा हाइयर साइड पर होते थे लाइक नाइन्टीज के आसपास ही होते थे नाइन्टी या नाइन्टी बट सर आपको देखना पड़ेगा कि वो आप जो दोनों ऑप्शन आपके बचे हुए आप के पास एक इंडर जो सोल है ना आपकी वो बताया कि हाँ ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है अगर नहीं सही लग रहा है दोनों तब फिर छोड़ देना चाहिए मतलब वाइल्ड गेस नहीं करना है किसी ना किसी लॉजिक के साथ गेस करना है पहले प्रयास में प्रिलिम्स नहीं हुआ तो क्या लगता ही क्या कमी रह गई थी सर ओवर कॉन्फिडेंट की समस्या थी उसमें मतलब सी सेट को मैंने लाइटली ले लिया था इट वाज लाइक कि मुझे मैथ आती है तो सी सेट हो जाएगा और जब मैंने और कुछ टेस्ट भी मैंने दिए थे और उन टेस्ट में मेरा अच्छा स्कोर आ गया था तो बट वो टेस्ट क्वालिटी टेस्ट नहीं थे तो उनसे फेक कॉन्फिडेंस भी मिल गया कि टेस्ट में एक मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ भी आ जाएंगे बट यू पी के पेपर बिल्कुल अलग था तो ये सेलेक्ट फोकस ग्रुप जो फोरम का है इसके बारे में किसने बताया था आपको सर इसके बारे में मुझे मेल आया था फिर जब मैंने मेल पढ़ा और उसमें मतलब कुछ रैंकर्स ने भी पार्टिसिपेट कर रखा था और जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी मेरे लिए स्पेशली ये सुबह होता था और कंसिस्टेंट बेसिस पे होता था और एक डिसिप्लिन मोड पे होता था तो ये मेरे लिए बेनिफिट था कि मैं सुबह जग जाऊँगा इसलिए मैं वहाँ जाता था अब सी सेट पर आते हैं तो अब देख रहे हैं कि हर साल जो है सी सेट कठिन होता जा रहा है यूपीएससी ने पहले कुछ झलकी दिखाई फिर पूरी फिल्म बना दी और सी सेट पिछले साल की मुझे लगता है कि पिछले जब से सी सेट आया तब सब से सबसे कठिन पेपर था तो सी सेट के लिए क्या आपकी रणनीति क्या थी सर अभी भी मुझसे कुछ मेरे दोस्त पूछते हैं कि इस बार कैसा आएगा तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि और टफ़ आएगा क्योंकि तो यू पी एस सी एक आइडियलॉजी पर चलती है उसके पास अपनी स्ट्रेटजी है तो सी सेट टफ ही आएगा एंड सर मेरा स्कोर जो लास्ट ईयर था सी सेट पर सिक्सटी था इस बार नाइन्टी है मेरा स्कोर हाँ तो मतलब जो मैंने इम्प्रूवमेंट किया तो आप किसी भी कोचिंग की जो भी अच्छी कोचिंग्स हों एक क्लासेज कर लें जो भी आपके टॉपिक्स वीक हों लाइक किसी का पी वीक हो सकता है किसी का प्रॉबिलिटी वीक हो सकता है किसी का नंबर सिस्टम जब आप जुलाई अगस्त के आसपास क्लासेज कर लेते हैं तो उसके बाद जो पी है तो आप टॉपिक वाइज पी वाई करें ना कि मतलब ईयर वाइज जैसे कि आप नंबर सिस्टम की पी वाई क्यूज कर रहे हैं तो आप उन्हीं को करें जब आप पी वाई क्यूज कर लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और उनका लेवल क्या है फिर आप एक किसी अच्छी कोचिंग की एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और उस टेस्ट से जो घर में बैठ के नहीं देना क्योंकि तो जब आप घर में देंगे ना तो आप मतलब कुछ भी आंसर आएगा कि आप प्रोडक्ट मेरा सही है मैंने बी मार रहा था बट मेरे को सी भी लग रहा था तो आप उसके नंबर काउंट कर लेते हैं और नंबर बढ़ जाते हैं बट जब आप रियल इन्वायरमेंट में देंगे टेस्ट सीरीज टेस्ट सेंटर पे देंगे तो आप फील कर पाएंगे प्रेशर क्या होता है स्ट्रेस क्या होता है मैनेज कैसे करना है और कम मतलब हर अगर वर्स्ट सिचुएसन में भी सिक्सटी मार्क्स कैसे लाने हैं ये आप टेस्ट सेंटर पर जाके सीखोगे तो सर थ्री पॉइंट स्टेट जीती क्लासेज करनी है पी वाई क्यूज करने हैं फिर टेस्ट लगाने हैं हर बार हम देख रहे हैं कि रीडिंग इंग्लिश आ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो भी कठिन होता जा रहा है तो इसमें आपने आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा था और क्या इसके लिए आपने किया सर मेरा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है अच्छा था बट हिंदी मीडियम में और समस्याएं आती हैं क्योंकि ये ट्रांसलेटेड होता है तो जब आप ओरिजिनल के आंसर्स नहीं निकाल पाएंगे तो ट्रांसलेटेड के आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो सर इसकी एडवाइस यही है कि पहले आप कुछ क्वेश्चंस चार पांच मैथ के कर लो या रीजनिंग के कर लो उसके बाद दो तीन पैसेज कर लो और वही वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो जो मतलब थोड़े छोटे हों या अगर एक पैसेज पे दो क्वेश्चंस मिल जाए और अगर फिलोसफिकल नेचर के हैं तो मैं उनको छोड़ देता था क्योंकि फिलोसफी समझना बहुत मुश्किल है तो हम वहाँ भी नहीं समझ पाएंगे तो आप मतलब अपने पैटर्न को डेवलप करो इवॉल्व करो जो आपको पैटर्न टेस्ट सीरीज लगाने से मिलेगा कि आप कैसे मार्क्स ला पा रहे हैं और सी सैट या जी एस पेपर्स में प्रम्स में क्या समय की कमी होती थी आपको सर टेस्ट सेंटर्स टेस्ट सीरीज पे नहीं होती थी बट जो रियल पेपर होता है वहाँ पे हो जाती है क्योंकि जब आप मतलब गोला भरने जाते हैं तो डाउट आता है कि बी ही भर रहा हूँ ना बी सही <laughs> है ना तो वो मेंटेन करना होता है <laughs> तो मैं अभी सबसे यही कहता हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका पिलिम्स निकल जाएगा बट अगर आप सिर्फ डाउट के साथ पिलिम्स निकालने जा रहे हैं पिलिम्स का जी का पेपर तो नहीं निकलेगा क्योंकि अगर आपको आता भी होगा ना अभी तो आप सी ही मार के आएंगे तो आपको स्टार्टिंग से पेस बना कर रखनी है आपको पेपर वहीं से स्टार्ट करना जो आपके स्ट्रांग पॉइंट हो बीड पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री कुछ भी हो सकता है बट अपने स्ट्रांग पॉइंट से ही स्टार्ट करना है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वहाँ से स्टार्ट नहीं करने है कि आपने दस क्वेश्चन पढ़े और दस के दस में नहीं आ रहे आपको तो फिर वो नहीं निकलेगा उस दिन फिर वो घर में निकलेगा बट वहाँ नहीं निकलेगा तो आपको स्टार्टिंग से पेस मेंटेन रखनी है और मतलब घड़ी को देखते रहना है जो आपका टाइम ब्रेकिंग आपने टेस्ट सेंटर्स पे किए थे वो वहाँ मेंटेन करके रखना है नोट मेकिंग पर अगर हम आते हैं तो आप क्या आप रेगुलर नोट्स बनाते थे या बुक से ही पढ़ते थे सर मैंने एक दो रीडिंग अगर स्टार्टिंग की कर रहा हूँ तो मैं बुक से ही पढ़ूंगा बट अगर मैंने कोई बुक दो बार पढ़ ली है फिर मैं नोट्स बनाऊंगा और नोट्स बनाने से पहले मैं पी देखता था कि इस बुक का कौन सा जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है और जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होता था लाइक अगर मैं रमेश सिंह पढ़ रहा हूँ तो मैं इन्फ्लेशन के नोट्स बनाऊंगा, आर के नोट्स बनाऊंगा। अगर मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ तो जो सेटलमेंट्स हुए थे ब्रिटिश सेटलमेंट्स हुए थे या जो किप्स मिशन कैबिनेट मिशन है तो उनके नोट्स लूँगा क्योंकि ये मतलब हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये आने वाले हैं और जब ये नोट्स आपके पास होंगे तो आप अगर प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो आप एक वीक के पहले पूरा रिवाइज़ कर जाओगे और जब आप पूरा रिवाइज़ कर जाओगे तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ मैंने सब कुछ रिवाइज करके आया हूँ तो नोट्स हाईली इंपॉर्टेंट है और नोट्स कैसे पेपर में बनाते थे या संक्षिप्त बनाते थे या बहुत कलरफुल पेजेस में बनाते थे सर मैं लूज सीट से पे बनाता था बट संक्षिप्त ही होते थे लाइक अगर दस पेज को एक पेज पे लिखना होता है और कीवर्ड्स वर्ड्स भी लिखने हैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है लाइक लिंकिंग वर्ड्स वगैरह को यूज नहीं करना है तो आपको मतलब अगर शॉर्ट्स रखोगे कुल मिला के ऐसे होने चाहिए कि एक वीक के पहले एग्जाम के आप रिवाइज कर सको अच्छा तो आप लूज शीट्स पर नोट्स बनाते थे तो उसको ऑर्गेनाइज करने में डिफिकल्टी नहीं आती थी उसे कैसे ऑर्गेनाइज करते थे आप मैं बच्चों से कई बार मिलता हूँ उनके खूब सारे लूज शीट्स पर नोट्स हैं और अब वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है अब वो खुद परेशान है उससे तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते थे आप सर अब अगर मैंने नोट्स बनाए हैं तो मैं खोंगा तो नहीं उनको क्योंकि मेहनत करके नोट्स बनाई है मैंने तो लाइक पॉलिटी पे मेरे पास दस पेपर्स हैं जो लूज पेपर्स हैं तो फिर मैं उनको एग्नोलेज कर लूँगा स्टेपलर कर लूँगा या फाइल में रखूँगा और उन हर से सब्जेक्ट को मतलब डिवाइड करूँगा हिस्ट्री के अलग होंगे पॉलिटी के अलग होंगे इकोनॉमी के अलग होंगे तो एक जगह पे होंगे लूज सीट से बनाने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप कुछ भी एड ऑन कर सकते हो उन पर तो सर इसलिए मैं उनको प्रीफर करता था न्यूज़पेपर को पर चलते हैं अगर तो कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते थे सर स्टार्टिंग पे मैं न्यूज़पेपर इंग्लिश पे तो नहीं पढ़ पाता था बट ये था कि हिंदी पे उतना अच्छा क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल नहीं था तो इट वाज नेसेसरी कि मतलब पढ़ना ही है तो हिंदू ही पढ़ता था और बट जब इंटरव्यू पास आया तो इंडियन एक्सप्रेस भी स्टार्ट किया तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी हो जाती है कॉम्प्रीहशन स्किल्स बढ़ती हैं और जो एक पूरा सिनेरियो होता है किसी भी इवेंट का लाइक कोई भी मतलब कहीं क्राइसिस चल रहा है ना तो आपको पूरा इवेंट का सिनेरियो मिल जाएगा आपको ओपिनियंस मिल जाएंगे जो मेन स्कैंस के लिए बहुत उपयोगी हैं ये बताइए कि बच्चे जब मैं देखता हूँ हिंदी माध्यम में जैसे बहुत बच्चों का प्रलिम्स नहीं निकलता है तो जैसे ही प्रिलिम्स नहीं निकलता और आपका निकला आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो आसपास खूब सारे बच्चे आपसे गाइडेंस के लिए आने लगते हैं जिसमें और आपका भी आपकी भी परीक्षा है और आप बहुत अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या कहीं भी रहते हो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं उसी तरह से इंटरव्यू देने के साथ ही मुझे लगता है कि मुखर्जी नगर में बिल्कुल सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन बन जाते हैं तो मेरा मानना यह है कि उस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने से आ, बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो आप उस समय से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से बच कर कैसे पढ़ाई करते थे क्योंकि बहुत बच्चे आपसे पूछते होंगे ये कैसे करना है वो कैसे करना है तो वो कैसे सर मैं एक पर्सनल इवेंट बताना चाहूँगा जिस दिन मेरा पिलियम्स निकला तो मेरे घर और गाँव में सब ने मान लिया कि मैं आई बन गया हूँ अब <laughs> उन्हें मतलब नहीं था कि मेन्स भी होगा इंटरव्यू भी होगा फिर फाइनलिस्ट रिजल्ट आएगी फिर डी ओ पी टी कन्फर्मेशन करेगा उन्हें मतलब नहीं था तो ये बच्चे को मतलब स्टूडेंट्स को देखना है कि पिलियम्स निकालने से आप आई एस नहीं बनते हो वो बस आपको एक एंट्री मिलती है है और आपको जो कंपटीशन है वो आई पी एस आई रैंक प्रूवर्स के साथ है और आपसे अच्छे टैलेंट अवेलेबल है मार्केट में तो आपको कंपीट करना है तो आपको अपने आप को बचा करके रखना है डिसिप्लिन रखना है क्योंकि प्लेम्स बस आपको एक एंट्री देता है और मेन्स पर आपको पूरा फोकस करना है सेम कोच विद इंटरव्यू आप अगर सूट पहन के जा रहे हैं कहीं से तो आपको लोग देखेंगे और आपको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी कि मैं इंटरव्यू देके आ रहा हूँ बट अगर आप फोकस अपना लूज कर देंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और अगर आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए था तो बुरा हो जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने आप को बचा कैसे रख पा रहे हैं आजकल चाहे एस का रिजल्ट रहे वो सब कुछ जब ऑनलाइन हो गया है तो आप क्या क्या ऑनलाइन टूल्स रखते थे क्या क्या गैजेट्स रखते थे फ़ोन 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 के के अलावा अलावा एक तो फोन, फोन के अलावा कोई टैबलेट रखते रखते थे सर, रखते थे लैपटॉप क्या रखते थे आप सर मैं फोन रखता था और टैबलेट रखता था बट मैं अपना जो डिजिटल स्क्रीन टाइम वो काउंट करता था और उसमें ये देखता था कितना टाइम मेरा स्टडी में गया है और कितना टाइम एक्स्ट्रा स्टडीज में चला गया है और जो न्यूज हो गया या डेली वेबसाइट्स हो गई करंट अफेयर्स की वो मैं टैबलेट्स पर ही पढ़ता था टेबलेट पर ही पढ़ते थे जरूरत आपको नहीं लगी नहीं सर लैपटॉप थोड़ा हैवी हो जाता है और कहीं भी आप कैरी नहीं कर सकते हो तो टैबलेट ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा था तैयारी के इस दौरान में आपके जनरेशन में डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है तो सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ अगर आप आई एस रॉयल आई एंट्री देखते हैं तो आप वो एंट्री नहीं कर पाएंगे तो उनको नहीं देखना है जो भी रील्स मतलब स्टडीज़ के अलावा आ रहे हैं वो आप डिड नॉट इंटरेस्ट कीजिए उसमें और यूट्यूब पर वही देखना है जो आपकी स्टडीज को बेटर बना सकता है और सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो वही अकाउंट्स फॉलो कीजिए जो आपको बेटर पर्सन बनाए ना कि आपको दूसरी चीज़ों पर उलझा दे तो अपने आप को हमें देखना पड़ेगा और जो डिजिटल स्क्रीन टाइम है वो पक्का देखना है आपको कि आपका स्क्रीन टाइम आठ घंटे हो रहा है दस घंटे हो रहा है और उसको डेली कम करने का प्रयास करना है मुख्य परीक्षा को अगर हम देखते हैं तो मुख्य परीक्षा और प्रिलिम्स की परीक्षा में अप्रोच का एक अंतर होता है प्रिलिम्स में या अप, या आपके हिसाब से अंतर होता है या नहीं सर होता है अंतर प्रिलिम्स में आपको बस याद करना है और आपको कुछ चार ऑप्शन दिए होंगे आपको फाइंड करना कौन सा बेस्ट ऑप्शन है मेन्स में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और मेन्स में अगर आपने एनालाइज नहीं किया जो क्वेश्चन के आंसर हैं तो जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स होंगे तो सर पूरी स्ट्रेटजी अलग होती है मेन्स की एंड अगर आप मेन्स से स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपका फाउंडेशन मेन्स था तो फिल्म निकल जाएगा बट अगर आप से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेन्स नहीं निकल पाएगा जनरल स्टडीज में वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी होती है हालांकि हिंदी माध्यम में, में मेरा अनुभव जो रहा है कि बच्चे इतिहास बहुत पढ़ते हैं यस सर और बाकी सब्जेक्ट्स को से थोड़ा सा उनकी रुचि थोड़ी कम होती है इसलिए लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ये इसको चुकी से सवाल कम आते हैं ये कई कई साल में नहीं भी आए हैं तो आपने इसको स्किप किया था या इसको पढ़ा था या प्रलिम्स के पहले ही पढ़ के रखे था या प्रिम्स के बाद पढ़ा था क्या सर पहले है? मैं हिंदी मीडियम पे आऊँगा अगर हम कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं या कहीं भी क्लासेस कर रहे हैं तो आपको पहले ये देखना है कि उस सब्जेक्ट से उस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके लिए कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी कभी ये क्वेश्चन आता है अदरवाइज नहीं भी आता है और अगर आप चालीस दिनों क्लास नहीं भी करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा उससे आप बेटर पर्सन बन जाएंगे पूरा जीएस पढ़कर आप उस आंसर को लिख लेंगे या आप किसी भी कोचिंग की बुकलेट पढ़ लेंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा तो कोचिंग तभी करनी है जब आपको नेसेसरी लगे सिर्फ वही सेक्शन करने हैं जो इंपॉर्टेंट लगे और एक टाइम बाउंड माइंडर में करनी है आपको ग्रेजुएसन नहीं करना है कोचिंग में आपको सिर्फ अपने लिए जैसे कोच होता है ना तो वैसे उससे सहायता लेनी है और ख़ुद आपको मेहनत करनी है एंड सर जो रियल आंसर था वर्ल्ड हिस्ट्री वाले का तो मैंने बुक कुछ टॉपिक्स के एम थी एक इंदिरा देव और अर्जुन देव की वो पढ़ रखी थी और जो पोस्ट इंडियन हिस्ट्री थी उसके लिए सर एक कोचिंग का मटेरियल पढ़ा था फाउंडेशन के लिए आपने क्लासेस वगैरह कहाँ करी थी सर मैंने एक कोचिंग ली थी बट सर बहुत लंबा टाइम लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा बीच में उसको छोड़ दिया था जनरल स्टडीज पेपर वन में सोसाइटी है और जोग्राफी है इससे कैसे आपने डील किया सर सोसाइटी में हम सबके पास नॉलेज होता है कि हमारे समाज में क्या क्या समस्याएँ वुमेन प्रॉब्लम्स क्या हैं चाइल्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं क्लाइमेट प्रॉब्लम्स क्या हैं बट जब तक हमारे पास लाइवली एग्जांपल्स नहीं होंगे सोसाइटी के लाइक किसी एनजीओ ने कोई अच्छा कार्य किया किसी ब्यूरोक्रेट ने कोई अच्छा कार्य किया तब तक हमारे आंसर्स पर हमको वैल्यू एडिशन नहीं मिल पाता और मार्क्स अच्छे नहीं मिलते तो पहले तो सर जो कॉन्सेप्ट हैं सोसाइटी के लाइक like फैमिली हो गया ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करने हैं फिर आपको एग्जाम्पल्स खोजने हैं जितने अच्छे आपके एग्जाम्पल्स होंगे सोसाइटी में उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे एंड रही बात ज्योग्राफ़ी की तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है लाइक पी टी टी हुआ उसके बाद कैसे चीज़ें आगे बढ़ी और तो जो, जो मतलब मैपिंग सेक्शन है आपको वो आपको बेटर करना है एंड जो अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो जो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है वो अगर आप देखेंगे तो जोग्राफी और सोसाइटी आपको जी एस वन में अच्छे मार्क्स दिलाते हैं कंपेर्ड टू हिस्ट्री जनरल स्टडीज पेपर टू में पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इशूज़ है तो इसकी आपकी क्या रणनीति थी और क्या लक्ष्मीकांत इसके लिए सफिशियंट है या उसके बाहर जाने की जरूरत है सर लक्ष्मीकांत मेंस के लिए सफिशियंट नहीं है क्योंकि मेन्स का आपको एनालाइज करना पड़ेगा और लक्ष्मीकांत आपको पॉइंट्स बताएगी एनालाइज नहीं कर पाएगी तो इसके लिए जैसे मैं पेपर पढ़ता था तो उसमें जो ओपिनियन मिलते थे या जो एडिटोरियल्स आते थे तो मैं वहाँ से अपने जो नोट्स उनको इनलीच करता था या जो मैं मैगजीन्स पढ़ता था तो वहाँ से इनलीच करता था एंड सर पॉलिटी में अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको आर्टिकल्स मेंशन करने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स मेंशन करने पड़ेंगे और जो आपका वे फॉरवर्ड होगा वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए लाइक like, उस प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक ना हो वो सॉल्विंग की ओर होना चाहिए एंड सर रही बात गवर्नेंस की तो सर यहाँ पर भी आपको एक अच्छी एग्जाम्पल्स की आवश्यकता पड़ेगी या जो अच्छी पहल हैं वो आपको लाने पड़ेंगे फोरम में, में मेंस के लिए आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में थे तो इससे आपको क्या मदद मिल पाई है आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और वो क्या पूरी हो पाई कैसे पूरी हुई सर आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप एस जैसा था क्योंकि वो सुबह ही होता था और मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सुबह न जगने की तो वहाँ से फ़ायदा हुआ और वह एक स्टैटिक को ज़्यादा कवर करता था आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप तो स्टैटिक कवर हो जाता था एंड जैसे एम था तो वह करेंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा उपयोगी था क्योंकि मैं उसके मॉडल आंसर्स भी पढ़ता था हालांकि वो इंग्लिश में होते थे बट मैं अपने नोट्स को इंग्लिश करता था और एम uh, जी के टेस्ट लिखने पर जो मार्किंग जो चेकिंग होती थी जो कि वो इंग्लिश मीडियम के टीचर्स ही कॉपी चेक करते थे तो ऑल इंडिया जो रैंकिंग आती थी उन ज़्यादा अच्छी आती थी मेरी तो एक कॉम्प्रीहसिव एनालिसिस हो पाता था चीज़ों का तो उत्तर लेखन के दो तीन मुख्य प्रिंसिपल्स आपके क्या रहते थे मतलब, क्या स्ट्रैटी आंसर राइटिंग पर क्या स्ट्रैटी रखते थे सर मैं एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देता था ना कि पॉइंट गिनाने पे। अगर आपने आठ पॉइंट लिखे हैं तो ना सिर्फ वो डिक्टेट नहीं होने चाहिए उनमें एनालिसिस होना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन और क्वेश्चन को ब्रेक करना है हर क्वेश्चन पे आपको दो तीन एस्पेक्ट मिल जाएंगे उनको आपको ब्रेक करना है आपको हेडिंग्स डालनी है मैं हेडिंग्स डालता था और फिर पॉइंट वाइज लिखता था और अगर आप हिंदी मीडियम की बात करें तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो हिंदी मीडियम में बेनिफिशियल होता है क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी और मेरा अभी भी मानना है कि मुझे राइटिंग के अच्छे मार्क्स मिले हैं हिंदी माध्यम में बहुत बच्चों की वैसे राइटिंग अच्छी रहती है लेकिन जितनी क्लैरिटी से आपने लिखा था आपकी कॉपीज़ मेरे पास थी आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप की भी और एम की भी तो बहुत क्लैरिटी और दूसरी संक्षिप्तता बड़ी इम्पॉर्टेंट है uh, कुछ साल पहले हमारे पास एक बच्ची थी रिचा रत्नम अपने शायद सुना हो उनके बारे में शायद उनकी हाईएस्ट ही रैंक थी उस साल हिंदी माध्यम की तो उस साल उनकी कॉपी मैं चेक करता था वो इंग्लिश मीडियम में वो सारी चीज़ें करती थी और हिंदी में उत्तर लिखती थी फिर यहाँ पर वो क्लासेस भी करती थी इंग्लिश मीडियम में और फिर हिंदी में तो उन्होंने पूछा कि सर ये क्यों नंबर नहीं आ रहे हिंदी माध्यम में तो मैंने उस साल एक वरुण रेड्डी थे सेवन्थ रैंक मैंने उनकी कॉपी उनको दिखाई और कहा कि देखिए आप दो तीन चार लाइन लिख रही हैं एक पॉइंट लिखने के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के पिछले साल के सेवन्थ रैंक है रैंक इंप्रूवमेंट के बच्चे थे वो आई आर एस में थे फिर आई बनने के लिए फोरम आए थे और बन गए सातवीं रैंक के साथ तो उन्होंने उसी चीज़ को संक्षिप्तता में लिखा था की के साथ लिख दिया था तो आपकी कॉपी मैंने वो संक्षिप्तता देखी आपने समझाया नहीं है बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट आंसर्स लिखे थे जो मुझे लगता है कि और ये प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि आप जब हिंदी माध्यम के नोट्स देखेंगे तो मैंने जो देखा है वो बहुत एलाबोरेट नोट्स रहते हैं तो वहाँ पर मुझे एक स्कोप लगा आपकी राइटिंग से भी मुझे वो लगा तो मैं देखते समय इंटरव्यू के समय जब आप आए थे तो आपकी कॉपी देखने के कारण बाद मैंने फिर मैं समझ गया था कि रिज़ल्ट जो है मेरे आएस... मेरे मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं एट हंड्रेड फोर्टीन मार्क्स हैं मेरे मेंस में और सर जैसे आपने कहा ना कि मतलब उसमें टू द पॉइंट आंसर्स होते थे तो अगर आपके नोट्स टू द पॉइंट होंगे अगर नोट्स आपके जितने संक्षिप्त होंगे आंसर्स भी आपके संक्षिप्त ही होंगे और अगर आपको अच्छी राइटिंग्स पे आंसर लिखने हैं और क्लियर लिखने हैं तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैंने खुद प्री और मेंस के बीच में लगभग 40-50 टेस्ट दिए थे फुल लेंथ टेस्ट दिए थे मैंने इतने मेंस आंसर राइटिंग में एक तो कंटेंट है और दूसरा प्रेजेंटेशन है तो आपने किसको ज़्यादा महत्व दिया दोनों को महत्व दिया या कैसे बैलेंस किया इसे सर दोनों को महत्व देना पड़ेगा और तीसरा मैं ऐड करूँगा लैंग्वेज क्योंकि हिंदी में हमारी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं होती कि जो हम कहना चाहते हैं उसे वो क्लियरली कन्वे कर सके तो जब आप क्लासेज कर रहे हैं उसके बाद अगर आप नेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो आप वहाँ से अपने नोट्स बनाइए और अगर आप मतलब ये सीखना है कि अगर आज के टेस्ट में मेरे साठ मार्क्स आए तो जो मैं दस दिन बाद नया टेस्ट दूँ उसमें मेरे सत्तर मार्क्स होने चाहिए जब तक हम ये वाली मतलब अपने अंदर ऊर्जा नहीं लाएंगे एनर्जी नहीं लाएंगे इंप्रूवमेंट की तब तक प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी क्योंकि जैसे मैंने टेस्ट दिया मार्क्स कम है तो कुछ फीडबैक होगा उसमें उस फीडबैक पे काम करना है उससे प्रेजेंटेशन बेहतर हो पाएगी और जो नोट्स इनरीच हैं तो जो मॉडल आंसर्स आते हैं आपको जो अच्छे पॉइंट्स मिले वहाँ पर आप अपने नोट्स में उनको ऐड करेंगे तो आपकी जो नोट्स हैं उन भी हो जाएंगे तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी कॉन्क्लूजन सबसे कठिन काम होता है इंट्रोडक्शन तो शायद हम लिख लें कॉन्क्लूजन सबसे कठिन होता है किसी भी उत्तर में लिखने के लिए तो कॉन्क्लूजन को कैसे एड्रेस करते थे आप सर कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए और ये समरी नहीं होनी चाहिए कि आपने दो पेजों में जो लिखा उसको आप समराइज़ कर दो मतलब जैसे कि आप कोई कंक्लूजन लिख रहे हैं तो अगर फ्यूचर विजन है उसमें तब आपको मार्क्स अवॉर्ड अवॉर्ड करेगा और अगर आपने वे फॉरवर्ड पहले ही लिख दिया है तो फिर वो वे फॉरवर्ड की किसकी समरी नहीं होनी चाहिए वो लगे कि हाँ आपने कुछ सोल्यूशन दिया है तो अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आपकी जो जो कंक्लूजन है वो भी पॉजिटिव ही रहेंगे मैं सर जब ऐसे लिखता था तो कोई टॉपिक कितना भी निगेटिव क्यों ना हो उसको मैं खत्म करता था पॉजिटिव साइड पर क्योंकि अगर कोई इवेल्यूएटर है अगर वो निगेटिव चीज़ें लास्ट में पढ़ेगा तो उसको मार्क्स देने का अच्छा मन नहीं करेगा तो आपको इवेल्यूएटर को फील गुड कराना है जब तक वो अच्छा फील नहीं करेगा तब तो तक मार्क्स नहीं देगा और एक कंक्लूजन ही है जो उसको अच्छा फील करा सकता है तो इसके लिए आप टॉपर्स के कॉपीज देख सकते हैं वहाँ से आप सिर्फ कंक्लूजन ही देख सकते हैं और जब आप खुद के आंसर्स लिखेंगे और अगर आप डेली इस पर माइंड माइंडर ध्यान देंगे तो आपके कंक्लूजन बेटर हो जाएंगे प्रोग्राम में आप थे और मेंटरशिप का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी सफलता में सर मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि मैं अकेला स्टडी करता था और दोस्त वगैरह मतलब कमी होते थे तो आप जो भी करते हैं आपको चाहिए होता है कि कोई बता दे कि हाँ आप ये सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं क्योंकि जब तक पता नहीं होगा कि आप गलत ट्रैक पर तो आप सही नहीं कर पाएंगे और मेंटर्स आपको एनर्जी देते हैं या आपको सस्टेन करने के लिए आवश्यक होते हैं तो मेंटर्स कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं कोचिंग के मेंटर्स भी हो सकते हैं आवश्यकता ये कि आप किसी से बात करते रहें अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको अपने अकेले कमरे में बंद नहीं कर लेना है कि जो पहले बोलते थे कि आप कमरे में बंद कर लो चार साल बाद निकल लो आप आई किस बन के निकलोगे आप आई किस बन के नहीं निकलोगे आपको कोई पहचानेगा भी नहीं और ना आप किसी को पहचान पाओगे तो लोगों से बात करती रहनी है इंटरव्यू पर अगर आते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में तो अब चूंकि अब आपने इंटरव्यू दिया और आप सफल भी हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है पर्सनैलिटी टेस्ट में पैनल क्या टेस्ट कर रहा है सर पहली बात तो जब मैंने इंटरव्यू दिया सेकेंड ऑफ को तो मुझे जो बाहर निकलने फील हुआ अगर ये पर्सनैलिटी टेस्ट मैं दो महीने पहले भी देता तो मैं सेम वे में आंसर कर रहा होता कुछ आर्टिफिशियल नहीं कर पाता तो पैनल आपकी ऑनेस्टी की चेक करता है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं और आप सर्व करने की आपके अंदर स्पिरिट है कि नहीं है तो और साथ में सर आप के जो व्यूज हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ना किसी जेंडर के लिए ना किसी कर, किसी वर्ग विशेष के लिए तो सर वह एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी देखता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ऐसे आपके क्या क्या कोर एलिमेंट्स क्या थे क्या स्ट्रेटिटी लगाई लगा थी आपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए सर दो चीज़ें कवर करनी होती है इंटरव्यू में एक तो जो आपका डैफ है वह आप हंड्रेड परसेंट कवर करें और दूसरा जो करंट अफेयर्स है वो कवर करने होते हैं सर डैफ तो मैंने खुद से प्रिपेयर किया था बट करंट अफेयर्स के लिए कुछ कोचिंग की क्लासेज ली थी जिसमें दीपिन सर की भी क्लासेज मैंने ली थी इंग्लिश माध्यम वाली क्लासेज सर तो यही ऑफलाइन आए थे आप सेंटर पर सिविल सर्विसेज की तैयारी थोड़ी कठिन हो जाती है और लगभग मान के चलिए कि ये वो एग्ज़ाम है जहाँ पहली बार लोग बहुत पहली बार शायद असफलता देखें आपने तो खैर दूसरे ही प्रयास में आप आई बन गए अब आप फेल करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिलिम्स में ही फेल करते हैं आप हर रोज़ टेस्ट दे रहे हैं एस में तो रोज़ फेल होते हैं तो या फिर कभी नंबर कमाए या कभी रैंक कमाई क्योंकि तो एस का जो या फिर आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप उसके रिज़ल्ट तुरंत आ जाते हैं और तुरंत आपको ऊपर नीचे दिख जाएगा तो उसमें मोटिवेटेड कैसे रहते थे आप सर अगर आप टेस्ट की रैंकिंग्स देखेंगे मार्क्स देखेंगे तो दो चीज़ें होती हैं आप ऑनेस्ट होइए और आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये टेस्ट मेरा खराब गया है अगर आपने स्वीकार कर लिया उस चीज़ को कि खराब गया है, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट की भावना आएगी अगर आपने ऑनेस्ट honest, ऑनेस्टी से स्वीकार ही नहीं किया आपने बोल दिया कि चलो कॉपी गलत चेक हुई है या क्वेश्चन गलत आए थे तो आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे कभी भी और सर जो आपने कहा कि इंस्पायर कैसे होते थे तो सर अगर आप अपने ड्रीम को अपने पैसन को फॉलो कर रहे हो ना तो आप हज़ार बार फेल करने के बाद भी ग्यारह एक हज़ार एक बार उठ जाओगे सर जब मैं खुद प्रीलिम्स फेल हुआ था तब मैंने सोचा था कि पहली बार मैं भी फेल हुआ था इतनी बड़ी बुरी तरह से कि जी में मेरे वन मार्क्स थे उस बार और सी सेट फेल हुआ था बट मैंने ये सोचा अगली बार कर लूँगा तो फिर सर उसके बाद से मैंने मेन्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि तो मेन्स ही इंपॉर्टेंट है तो अगर आप फेल भी होते हैं ना तो गुड कोच में होता है और आपको उससे ना सीखना ही है उससे डरना नहीं है ये छोड़ नहीं देना है तो गिव अप नहीं करना जब तक आप सस्टेन कर सकते हैं आ, हिंदी माध्यम से जो है सिलेक्शन्स काफ़ी कम रहे हैं तो हिंदी माध्यम में क्या कारण है कि वहाँ प्रॉब्लम क्या है रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं आपके हिसाब से सर कई सारी प्रॉब्लम्स हैं हिंदी माध्यम में हम लोग इतने प्रोफेशनल नहीं हो पाते कि हम चूज़ कर सकें कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है जो ब्रांड लॉयल्टी होती है वो हिंदी मीडियम में बहुत अधिक होती है तो लॉयल नहीं बनना है प्रोफेशनल रहना है कि हमें यही पढ़ना है और ये छोड़ना है आप किसी भी कोचिंग में जाओ सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है कोचिंग का तो आप उसको छोड़ दो जो आपके लिए अच्छा नहीं है और दूसरी बात कॉन्फिडेंट रहना है इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हम लोगों जैसे ही पढ़े होते हैं और उनके पास भी वही टैलेंट होता है जो हमारे पास है अगर हम कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हम भी सेलेक्ट होंगे और तीसरी बात जैसे कि मैं रवि सयाग सर ने भी बोली है कि एक दिन हिंदी मीडियम पर टॉप टेन की रैंक भी आएगी तो वो सपना पक्का देखते रहना कि एक दिन हमारी रैंक भी पाँचवीं छठवीं आएंगी क्या आपको लगता है कि अभी हिंदी माध्यम में गाइडेंस की थोड़ी सी कमी रही है क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेडनेस अप्रोच की थोड़ी कमी आपको लगती है वो भी एक सर दो कमियाँ एक तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस है जिसमें हम चूज़ नहीं कर पाते कि हमें रियलिटी में कौन गाइड कर रहा है और दूसरा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड फीलिंग है वो हमें सही गाइडेंस मिल नहीं पाता है तो उसके लिए अगर हम अपने मतलब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करेंगे या हम सही दिशा में कार्य करेंगे और अगर हम अच्छी बुक्स पढ़ेंगे लाइक न्यूज पेपर्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो हमें गाइडेंस मिलता रहेगा तो इसके लिए मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और वहाँ से गाइडेंस मिलता है तो हिंदी माध्यम के लिए आपको क्या लगता है फोरम थोड़ा क्या कम करो और क्या कर सकते हैं सॉरी सर बट पहला सुझाव यही है कि जो सेंटर आपको छोटा सा है आप उसे बड़ा सा कीजिए हिंदी मीडियम पे टैलेंट की कमी नहीं है अगर आप लोग इंटरेस्ट बेस्ड टेस्ट लेंगे इंटरेस्ट बेस्ड एडमिशन करेंगे तो आपको टैलेंट अवेलेबल रहेगा आवश्यकता है कि आप उनको सही से गाइड कर सकें अगर हम लोगों को गाइडेंस अच्छा मिलेगा तो हम लोग भी आगे आएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी माध्यम में टैलेंट की समस्या है कुछ किताबें पढ़ते हैं आपकी फेवरेट बुक कौन सी है सर मेरी सबसे फेवरेट बुक सत्य के साथ मेरे प्रयोग है जो महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोपिक है कोई आपका फेवरेट कोट है सर फेवरेट कोट तो मैं बहुत पहले पढ़ा था बट भूल गया हूँ बट उसमें जो मेरी बिगेस्ट लर्निंग थी कि आपको सीखते रहना है आपको अपने फेलियर से नहीं डरना है अगर आपने कुछ आज आप कुछ बिलीव करते हैं कल आप पाते हैं कि आप गलत पे भरोसा कर रहे थे तो आपको उसको छोड़ देना है और नई चीज़ें अपनानी है मैं हर बच्चे से ये पूछता आपसे भी ये पूछूंगा कि हम तैयारी जब शुरू करते हैं तो किसी और पेन के साथ शुरू करते हैं फिर पहले इंटरव्यू तक हमारे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एग्जाम हमारा पेन चेंज हो जाता है तो आप एक ही पेन इस्तेमाल करते थे या काफ़ी अलग अलग या पेन आपने अलग स्टेजेस ऑफ एग्जाम के लिए रखे सर जो पेन मैंने पहले टेस्ट के लिए अपनाया था वही पेन मैं मेंस में, में, में लेके गया था और शायद मैं उस पेन को कभी नहीं छोड़ पाऊंगा एंड वो पेन था वी फाइव तो मैं ब्लू और ब्लैक दोनों ही कुछ करता था तो कितने रिफिल वगैरह का कुछ जत्था बनाया आपने कुछ कलेक्शन एक्चुअली सर पेन से बहुत प्यार था तो मैं उसको रिफ़िल नहीं करता था नया पेन ही खरीदता था तो मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन अवेलेबल है मेरे पेन का अभी लगभग 40 दिन के आसपास बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तो जो बच्चे अभी 40 दिन में जो तैयारी आगे का जो रोड मैप है उसमें उन प्रीलिम्स वाले अपियरिंग बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर पहली बात तो जो हम टेस्ट दे रहे हैं वो अगर उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है जो आपने पहले स्ट्रेटजी बनाई थी जो आपके पहले प्लान्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग रिवाइज़ करते रहना है दूसरा जो टेस्ट आप दे रहे हो तो आपको सेक्शन फाइंड आउट कर लें कि कहाँ पर मार्क्स कम आ रहे हैं हो सके तो उनको आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए या उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए तीसरा कट ऑफ को देखते हुए सेट को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है उसको लगभग दो ढाई घंटे डेली बेसिस पे देने हैं तो ऐसे में आपके मार्क्स कैसे रहे हैं सर ऐसे में मेरे 129 मार्क्स थे ये तो बहुत अच्छे नंबर हैं तो ऐसे में आपकी रणनीति क्या रही थी सर ऐसे में मैं जो भी देखता था या जो भी करता था उसको मैं चाहता था कि ऐसे में आ जाए लाइक मैं अगर मैचेस भी देख रहा हूँ जैसे तो वर्ल्ड कप का फाइनल था मैंने देखा था कि न्यूजीलैंड हार गई थी बट उसके कैप्टन ने बड़े ही प्यार से उस अपनी डिफीट को स्वीकार किया था तो मैंने अपने केसों को वहीं से स्टार्ट कर दिया इट मीन्स कि आप जो भी सीख रहे हो बाहरी दुनिया से वो आप अपने आप वो उसको आप ऐसे में ले आओ और दूसरी सर स्ट्रेटजी थी कि आपको जो सिलेबस के अलावा बुक्स पढ़नी है ताकि आपको वहाँ से थाट्स मिलेंगे और जो आपकी जो सोच है वो अच्छी होगी एंड तीसरी बात सर अगर आपका ऐसे जो पहली लाइन है वो लास्ट लाइन तक सेम फ्लो में जाएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज अच्छी करनी है ताकि लैंग्वेज अच्छी रहेगी तो आपके ऐसे में फ्लो बनेगा और अगर इवेल्युएटर ने आपका ऐसे बीच में छोड़ दिया तो मार्क्स अच्छे नहीं देगा तो प्रयास करना है कि आपके पूरे ऐसे पढ़े जाए वहाँ पर और एथिक्स पेपर के लिए एथिक्स पेपर चुकी है इसमें और सब्सटेंशियल मार्क्स है एथिक्स में आपके मार्क्स वगैरह कैसे सर में है तो ये भी मुझे लगता है कि सबसे अच्छे ही मार्क्स हैं तो एथिक्स के लिए आपकी क्या रणनीति थी क्या सोर्सेज थे सर एथिक्स के लिए पहले आपको डिफिशन क्रिएट करनी है जैसे जो की वर्ड्स हैं लाइक एटीट्यूड हो गया एप्टीट्यूड वगैरह हो गया सिविल सर्विसेज के लिए वैल्यूज हो गई जब आपके पास डिफिशन हो जाए उनके नोट्स बन जाए फिर आपको अच्छे एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने हैं ये एग्जाम्पल किसी बुकलेट से नहीं आ सकते जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या वेबसाइट्स फॉलो करेंगे तब तो आपको एग्जाम्पल्स अच्छे मिलेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको ट्राई करना है कि पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स भी आप दे सको तो और सर जो केस स्टडीज़ है वहाँ पे आपको सोल्यूशंस अच्छे देने हैं और विकल्प अच्छे प्रोवाइड करने हैं तो जो मार्क्स हैं वो केस स्टडी अच्छे लाने हैं फोर ने मेरे लिए जो एसएफजी जो एस एफ जी पे सहायता की थी वो वो बहुत अच्छी है बहुत अच्छा कार्य था वो चलिए ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सर